परमानेंट आप पे आप उनको 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, यू कैन ओनली हैव ए विजिटिंग वीज़ा, मतलब आप परमानेंट उनका नहीं लगा पाएंगे। सो दीज वेर द रीजन्स कि आई डिक्लाइन द ऑफर, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू कम इन सिविल सर्विसेज, तो मैंने छोड़ दिया था ट्रेडर का ऑफर, बट मैम ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख नहीं रही थी। तो फिर मैम ने बोला कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम 30 साल बाद क्या करोगे लाइफ में। तो मैं थोड़ा सा चेक किया कि ये क्या पूछ दी, 30 साल तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कोई भी क्वेश्चन में मैंने कभी नहीं बनाया था। अगर वो मुझसे 40 साल पूछती तो मैं बोल देता मैं मर जाऊंगा। ये मैंने घर में भी आगे बोला है कि मैं एकदम सोच के बैठा था कि 25 का था, 65 का हो जाता मैं बोल देता कि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली हैवी अब वर्ल्ड हो चुका है कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन 30 साल का तो लगा कि मैं जिंदा तो रहूँगा 55 का। तो मैंने बोला कि मैम मैं तब तक क्या करूँगा। तो मैंने बोला कि देखिए प्रोफेशनली पर्सनली तो बूढ़ा हो जाऊँगा, ये बात तो है, तो काफ़ी एजेड फील करूंगा तब तक, लेकिन अंदर से मैं वो फीलिंग रखूंगा कि मैं यंग और यूथ मैं रिकनेक्ट करना चाहूंगा, जो नए जनरेशन है, जो समझना चाहूंगा लोगों के इश्यूज, प्लस प्रोफेशनली मैं बोलना चाह रहा था कि मैं कैबिनेट रैंक सेक्रेटरी बनूंगा। जो भी कैबिनेट रैंक अगर 30 साल काम कर लिया तो मैं यूनियन कैबिनेट तक चला जाऊंगा अगर रहा तो, पर मेरे मुंह से निकल गया कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाऊंगा। अब कैबिनेट सेक्रेटरी और कैबिनेट रैंक सेक्रेटरी में अंतर है, कैबिनेट सेक्रेटरी इज द टॉप मोस्ट, ये बहुत कम लोग बन पाते हैं, जो लोग जल्दी ज्वाइन करते हैं 22 साल 23 साल में, या जिनका बहुत अच्छा होता है, तो वो थोड़ा सा मुझे एरोगेंट उनको लगा होगी ये 30 साल में। तो बोली आर यू श्योर, तो मैंने बोला हाँ मैम, अगर अच्छे से काम करूंगा तब तो बन ही जाऊंगा, मुझे क्या पता कि मैं गलत बोल रहा हूँ कैबिनेट सेक्रेटरी। प्लस एक और चीज़ था जो बोला था मैंने कि हाँ कहीं मैं मैम रोल मॉडल बन जाऊंगा, कोई गाँव में कोई जिला में कुछ काम किया होगा तो आई माइट बी ए रोल मॉडल फॉर देम, सो ऐसा होना चाहिए, यही मेरा सपना है कि कुछ अच्छा काम करूँ। तो सीधे मैम ने बोला नहीं नहीं रोल मॉडल ये सब सब ढकोसलेबाजी है, ये सब बकवास बंद करो। तो मैं थोड़ा लोड हो गया मुझे, मैम को बोला नहीं मैम ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाने जाता हूँ गरीब बच्चों को, आज भी मैं टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हद तक मैं कर सकता हूँ मैम वो करूँ, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं अपना 100% एफर्ट डालूंगा, आई कांट बी वेरी श्योर कि मैं रोल मॉडल बनूंगा, बट जितना मैं कर पाऊंगा वो चीज़ मैं बदलाव लाऊंगा समाज में। तो बोली कि हाँ लुक जेंटलमैन एवरी वन कम्स हेयर एंड से दिस कि आई विल ब्रिंग अ चेंज एंड आई थिंक यू हैव नॉट सीन द हार्श रियलिटीज ऑफ द एंड एक्चुअल वर्ल्ड। तब मैंने बोल दिया है और ये लाइन निकल गया मेरे मुंह से कि लुक मैम सिटिंग हेयर यू माइट नॉट हैव मेट लॉट ऑफ यू मै वुड हैव मेट अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स बट आई एम नॉट लाइक देम, ओके आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी चेंज इन दिस सोसाइटी, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग, आई सेड लाइक दिस बिकॉज मैम आई नो आई एम ब्रिंगिंग द चेंज, इवन दो इट इज नैनो लेवल इट इज माइक्रो लेवल एंड दिस वॉज द मोमेंट आई सॉ एवरी वन। मैंने एक एक बार सबको देखा जो भी पैनल में बैठा हुआ था, और मैंने एकदम सीरियस होकर काफी बोल्ड आवाज में बोला मैम को, मैंने बोला कि इट इज ईजी टू से एंड इट इज ईजी टू से थिंग्स लाइक दिस बट मैम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी मी एंड टू ब्रिंग अ चेंज एंड देन सिट हेयर, सो मैम इफ यू वॉन्ट आई कैन टेल यू वॉट चेंजेस आई एम ब्रिंगिंग बट आई एम टेलिंग यू विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन सिटिंग ऑन दिस चेयर। तो उस समय के लिए पैनल तो थोड़ा ये हो गया था, और फिर कुछ कुछ और हुआ मुझे याद नहीं आ रहा है कि कुछ एक और चीज़ हुआ, तो मैडम के साथ मेरा मतलब इट बिकेम ए लिटिल हीटेड कन्वर्सेशन, आर्गूमेंट टाइप का हो गया। तो उन्होंने बोला कि कुछ बोला तो मैंने बोला कि हाँ मैम ये सब चेंज किया जा सकता है, शी सेड समथिंग, तो मैं मेरे मुंह से निकल गया करप्शन। अब करप्शन वर्ड पर कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए वहाँ पर जाके, तो मैंने पर बोल दिया कि करप्शन को रोका जा सकता है, मतलब इतना तो कर सकते हैं कि बढ़ने नहीं दें, घटाना तो छोड़िए बढ़ने नहीं दें, एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्स पे करप्शन है तो एक्स प्लस डेल्टा नहीं हो, एक्स माइनस डेल्टा अगर नहीं हो पा रहा है तो एक्स पे ही रहे, 100 लोग करप्ट हैं तो 101वां करप्ट नहीं हो, ये रोकना जरूरी है। तो मैम ने बोला तुम नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला कैसे नहीं कर पाऊंगा मैम, करने के लिए तो आ जा रहा हूँ। तो मैम ने बोला नो यू कांट डू एनीथिंग, यू आर ए कॉग इन द व्हील, यू कांट डू एनीथिंग। तो मैंने बोला मैम कॉग इन द व्हील, अगर कॉग नहीं मूव करेगा तो पूरा चक्का कैसे मूव करेगा, तो यू शुड रियलाइज कि कॉग उतना इंपॉर्टेंट है पूरे व्हील को चलाने के लिए। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकेम लाइक एकदम वन ऑन वन हो गया मैडम के साथ, एकदम ले लिया, मैम ने भी ले लिया और मैं भी मैम का। तो फिर मैंने मैम कुछ बोलने वाली थी तो मैम को मैंने बोला रुकिए रुकिए, अब आपको भी बताना पड़ेगा मुझे। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील ऑनेस्टली कि दिस शुड कुड हैव बीन अवॉइडेड, बट मैं यार एरोगेंस में नहीं बोल रहा था, आई वॉज सेइंग क्योंकि उन्होंने मेरे दिल पर हर्ट कर दिया था, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, आई शुड हैव स्टॉप्ड विद दैट इमोशन, मुझे वो लेना चाहिए था। और मैंने सोचा कि एक ये भी मैंने कभी तो पढ़ा था कि इफ़ यू हैव टेकन दैट स्टैंड बी ऑन दैट स्टैंड, आपने अगर वो स्टैंड को ईजिली ले लिया हाँ मैम कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मैं करने के लिए जा रहा हूँ, स्टैंड का बात नहीं, मैं एक्चुअली मैं जो करना चाह रहा हूँ मैं करके दिखाऊंगा, आप देखिए तो अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी तो जस्ट पर्दा खुला है, अभी पर्दा गिरेगा तब तक आप देखिएगा क्या होगा। तो मैंने बोला कि सदगुरु आई मैम को मैंने बोला कि मैम प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में सब लोग को लगता है कि, और मैंने दबा के दे दिया डायलॉग कि रिलेटिव्स आर एवरीथिंग, आइंस्टाइन सेड एवरीथिंग इज रिलेटिव बट वी इंडियंस थिंक रिलेटिव्स आर एवरीथिंग, दिस इज द जनरल इशू बिकॉज द करप्शन एग्जिस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू डू एवरीथिंग फॉर आर रिलेटिव्स, द फेवरेटिज्म द नेपोटिज्म द दिस काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग। एक सेकेंड।
मम्मी चली गई है बता गई। अच्छा लड़की का स्वीट टेंथ में ओ माय गॉड 92.4 मिला। कांग्रेचुलेशन। किस फ्लोर पे आप लोग आंटी? इधर बाजू बगल में ही। अच्छा आप ही लोग मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मम्मी को बोल दीजिए मैं अभी जा रही हूँ घर पे। अच्छा अच्छा कांग्रेचुलेशन अगेन सो प्राउड ऑफ यू बहुत ही अच्छा किया आपने। चलिए चलिए सॉरी फॉर दैट इंटरफेरेंस। हाँ तो फिर उस समय कहाँ था भूमिका मानना पड़ेगा। समवन एक्चुअली डिड वेरी गुड इन टेंथ बोर्ड। सो उसके बाद यार ये कहानी शुरू हुआ तो मैम को मैंने रोक दिया। मैम एकदम मतलब रोकना नहीं चाहिए था। जिस तरह से मैंने रोका था कि मैम को मतलब मैम स्टॉप नाउ आई हैव टू से समथिंग तो मैंने मैम को बोलना शुरू किया। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई धड़ाधड़ मैंने एक दो पॉइंट बोल दिया। मैंने बोला कि मैम तो मैम ने बोला कि अच्छा आई एक्सेप्ट दैट यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन बट सब लोग ऑनेस्ट नहीं होंगे। मैम भी ये टटोलना चाह रही थी कि ये तो मैम ने बोला कि लुक जेंटलमैन। एक और भी मैम ने बहुत हार्श बोला था लुक जेंटलमैन आई थिंक यू हैव ए रोजी पिक्चर यू आर कमिंग टू द फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक यू थिंक कि एवरीथिंग विल बी एंड आई हैव सीन हंड्रेड्स लाइक दिस। तो मैंने बोला कि मैम रुकिए अब तो मैं अपना पिटारा खोलता हूँ। अब आपने बोल ही दिया तो मुझे भी खोलने दीजिए। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि वेदर आई कैन सर्वाइव और नॉट। मैम को मैंने बोला कि मैम ऐसा नहीं है मैं सब सोच के जा रहा हूँ। ऐसे ही एक दिन बैठा और सोचा यूपीएससी एग्जाम दे दूँ ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मैम को बोला मैम पांच चीज़ें होती है लाइफ में जब भी आप एक जॉब स्विच करते हो। सबसे पहले होता है यूनिफॉर्म। तो मैम अभी मैं प्राइवेट सेक्टर जॉब में हूँ मुझे पब्लिक सेक्टर का यूनिफॉर्म समझना पड़ेगा। कैसे सरकार में काम करते हैं लोग वो बहुत डिफरेंट होगा उसमें काफ़ी टाइम लगेगा 2-3 साल लगेगा। मुझे समझना पड़ेगा देखना पड़ेगा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्यों कर रहे हैं लोग राइट। ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन जाऊँगा और बोलूँगा आ गया मैं आ गया ले ऐसा थोड़ी होता है। सेकेंड थिंग होता है इनफॉर्म। पहले तो मैं यूनिफॉर्म समझूंगा फिर मैं इनफॉर्म होऊंगा। उसमें मैम एक छोटा प्यून भी होगा एक छोटे चपरासी भी जो होंगे जो भी एक गार्ड भी होगा वो भी मुझे बता सकता है। हर एक इंसान जो उस मान लीजिए मैं गांव में जाता हूं तो गांव में एक इंसान होगा जो मेरे से जूनियर होगा वो भी मुझे बताएगा ये चीज़ कि सर ये काम होता है ऐसे 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 करते हैं। और उसमें कोई ईगो नहीं आना चाहिए मैम। आई हैव टू लर्न फ्रॉम देम राइट। इफ आई डोंट लर्न फ्रॉम देम आई विल नॉट मतलब लर्निंग इज द फर्स्ट पिलर टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स। तो मैं सीखूंगा पहले कि क्या है तब तो मैं सिखा पाऊंगा कुछ। तीसरा होगा परफॉर्म। फिर मुझे परफॉर्म करना होगा। तो 3 साल में मैं ये सब करूंगा फिर परफॉर्मेंस शुरू होगा। मुझे परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही बैठे हुए यहाँ पे आपके सामने बोल दूं कि मैं कुछ चेंज लेते आऊंगा दैट इटसेल्फ इज ए फुलिश स्टेटमेंट एंड इट्स अ वेरी फुलिश रिमार्क। मुझे परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा मुझे साबित करना होगा मैं ये कर सकता हूँ। मैं परफॉर्म करूंगा लोगों को भरोसा आएगा गाँव वाले जो होंगे मुझ पर ट्रस्ट करेंगे जो मेरे सीनियर्स होंगे मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। एवरी वन विल नाउ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि यस दिस बॉय कैन डिलीवर व्हाट ही इज सेइंग देन द रियल जर्नी विल स्टार्ट। चौथा चीज जो होगा दैट विल बी रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है मैम मैं खुद में भी समझूंगा और मैं बाहर भी समझूंगा। रिफॉर्म में अपने में क्या रिफॉर्म लाऊंगा कुछ चीज़ें होंगी जो कि प्राइवेट वर्क में काम कर जाती हैं लेकिन वो पब्लिक स्फीयर में नहीं करती हैं तो वो मैं अपने में बदलाव लाऊंगा। वो बदलाव जरूरी है क्योंकि मुझे उसमें ढलना है मुझे उस ढांचे को समझना है। ये वो ढांचा नहीं है जिसमें मुझे करप्शन मुझे वो ओबीडियंस हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो भी पब्लिक में जनरली होता है जैसे नाम लेके बुलाते हैं प्राइवेट में सीधे बोलते हैं कोई सर मैम नहीं होता हो सकता है पब्लिक में ऐसा बोलना पड़े। रिफॉर्मेशन दूसरे सेंस में होता है कि छोटे छोटे रिफॉर्म्स लाना। तो छोटे रिफॉर्म्स लाऊंगा जैसे कि मैम सही छोटे जैसे टाइमली लोग आए ऑफिस में 2 मिनट आने की जो आदत लेट होती है और 2 मिनट जल्दी जाने की आदत होती है उससे काफ़ी लोग लूज आउट करता है प्रोडक्टिविटी लूज करते हैं लोग। तो मैम ने मुझे टोक दिया। मैम बोले कि तुम इतना छोटा काम करने के लिए जा रहे हो ये छोटा काम 2 मिनट आना 2 मिनट जाना से तुमको लगता है कि चेंज हो जाएगा कोई बड़ा चेंज आएगा यही तुमको करना है बनके। इट वॉज लाइक सिमिलर इट वॉज नॉट एग्जैक्टली दिस थिंग बट शी वॉज लाइक आर यू वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ स्मॉल थिंग। आई सेड ऑफ कोर्स मैम इट लुक्स स्मॉल ऑन द पेपर बट इट इज सो सिग्निफिकेंट इन द रियल टर्म्स थिंक अबाउट इट। अगर मैं हर दिन इफ आई सेव 2 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 2 मिनट्स इन द आफ्टरनून ऑफ ए पर्सन इवनिंग अगर 4 मिनट कोई आदमी अच्छे से काम करे रोज 5 दिन भी काम करता है तो वो 20 मिनट उसका बचता है। साल में वो अगर 52 वीक्स भी काम करता है 50 वीक्स भी मान लीजिए अगर 40 वीक्स भी मान लीजिए अगर आप छुट्टी उट्टी को हटा के तो 40 × 20 मिनट्स 800 मिनट्स 800 मिनट में अगर वो आधा टाइम भी उसका या 1/4 अगर हाफ टाइम से थोड़ा सा भी ज़्यादा 600 मिनट भी अगर वो प्रोडक्टिवली अच्छे से करता है मतलब वो 10 घंटा एक आदमी एक साल में 10 घंटा प्रोडक्टिव आवर एक्स्ट्रा देगा आपको सरकार को एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या वो कम है। साल उसके जिंदगी में सोचिए वो कितना एक्स्ट्रा आवर देगा एक छोटे से चीज़ के कारण। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल आइडिया विच कैन ब्रिंग ए वेरी लार्ज थिंग। इसीलिए तो मैम आज बायोमेट्रिक और ये सब हो रहा है। इंपॉर्टेंट इज नॉट कि 2 मिनट बचाना वो तो मैम एक वर्बल फ्रेज था। इंपॉर्टेंट इज कि उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है। जो लोग टाइम पास कर रहे हैं इस तरह से लोग करते हैं जो मान के बैठे हुए हैं कि ये सरकारी है ये मैं प्राइवेट स्फीयर से लेके आऊँगा जो प्रोफेशनलिज्म होता है किसी भी चीज़ में करने का। तो मैम ने बोला कि
नहीं मुझे फिर भी नहीं लगता है, मतलब मैम फिर भी यार यही थी, तो मैम कुछ पूछने वाली थी तो मैम को मैंने बोला कि नहीं मैम अभी मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ है, रिफॉर्म के बाद जो लास्ट पिलर है वो भी बचा हुआ है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, देन द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल स्टार्ट। व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन? तब एक मास लेवल पे एक बड़ा चेंज आएगा जो मैं चाहता हूँ, लोग समझेंगे कि छोटा छोटा रिफॉर्म्स जब एक साथ क्लब टुगेदर होगा, एक चेन बनेगा, देन थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर, एंड देन विल सी अ ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, एंड द विजन ऑफ न्यू इंडिया 2022 माइट नॉट बी एबल टू, विल बी एबल टू अचीव इन 2022, बट आफ्टर सम टाइम विल स्टार्ट। और मैं यहाँ बोलना चाहता था बट आई कुड नॉट से कि स्वच्छ भारत जो स्टार्ट हुआ था, झाड़ू लगाना एक छोटा चीज़ है, बट कहीं ना कहीं एक टॉयलेट लगाना, एक छोटा सा टॉयलेट बनाना एक छोटा चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे आज वो टॉयलेट बनते बनते इतना बन गया है कि एक्चुअली में वो चेंज है, पैल्पेबल है, आप जाके देखिए गाँव में। सो दिस थिंग स्टार्ट विद ए स्मॉल थिंग ओनली, राइट? सो ये वाला आंसर देके मैं ये हो गया, फिर भी मैम कुछ उस पर कर रही थी तो मैम को मैंने बोला कि आज सुबह में मैम अगर आपको लगता है ये चीज़ छोटा है तो सुबह में मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, सुबह में ये टेबल पे मैं बैठा हुआ था और टेबल पे सिग्नेचर हो रहा था, मैंने बोला सर लॉफुली तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, राइट? एंड नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी मुझे ये सही नहीं लगता है, कल को मेरा सर्टिफिकेट चला जाएगा और मैं सिग्नेचर कर दूंगा, मैंने जैसे आपको बताया था पहले वाले में कि उन्होंने ले लिया सर्टिफिकेट एंड देन ही दे सेट टू साइन इट, तो वो थोड़ा सा तो गलत हो जाएगा ना। आप, मैं समझ रहा हूँ आपका इंटेंट गलत नहीं है, बट अगर मेरा सर्टिफिकेट भुला गया तब तो वही बात होगी कि मैंने साइन कर दिया है कि मुझे सर्टिफिकेट वापस मिल गया है, भले ही 0.1% चांस है, बट अगर यहीं पर बैठे हुए तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग को एक प्रॉपर चैनल जो लॉ बना हुआ है उसके साथ चलना चाहिए, इसमें गलत क्यों करना चाह रहे हैं हम। तो ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड एंड मैम, मतलब ही ऑल्सो मैन द पर्सन जो हमारे टेबल पे, उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया, ही डिड नॉट सेड कि नहीं 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 गलत कह रहे हो तुम, ज़्यादा ये कह रहे हो, ये सब नहीं कहा, उन्होंने बोला कि बाकी टेबल पे तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो मैंने यही चीज़ मैंने बोर्ड को भी बोला कि ऐसा नहीं था सर, बाकी टेबल पे लोग वो इनिशिएटिव नहीं लिए, बाकी टेबल पे भी सेम चीज़ हो रही थी, बट बाकी टेबल पे और हमारे टेबल पे भी बाकी मेंबर ने ये नहीं किया, दे वेर वेटिंग फॉर समवन टू डू इट, देन आई हैड टू डू इट एंड आई डिड इट एंड देन अदर ऑल्सो इन माई टेबल ज्वाइंट इट, कि नहीं सही बोल रहे हैं हम लोग बाद में साइन करेंगे। सो देयर इज ए वैक्यूम देयर एंड यू हैव टू फिल दैट वैक्यूम, और वैक्यूम है, आप जाके देखिए तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई उस वैक्यूम को फिल करे। उसके बाद पे और भी ये हो गया था कॉग इन द व्हील कि ऊपर के लोग मान लो करप्ट हैं, और अगर आप करना भी चाहते हो, मैंने बोला ईमानदार हो आप फिर भी करप्ट हो, कर रहे हैं ऊपर के लोग, आपके यहाँ कोई प्लांट अगर बैठाने आता है, फैक्ट्री बैठाने आया है, तो आप चाह भी रहे हो फिर भी ऊपर क्या करोगे, तो मैंने बोला मैम मैं ऊपर, पहले मैंने बोला था कि मैं ऊपर बताऊंगा अपने सीनियर्स को कि वो ये गलत हो रहा है यहाँ पे, तो बोली नहीं वो लोग भी करप्ट हैं, तो मैंने बोला कि मैम और ऊपर बताऊंगा, तो बोली नहीं ये भी गलत हैं, तो मैंने बोला मैम और ऊपर बताऊंगा, तो बोले वो भी करप्ट हैं, तो मैम को मैंने बोला मैम जितना ऊपर जा सकता है मैं बताऊंगा, जितना मेरे से हक बनता है, जो भी मेरे एम्बिट में आता है विद इन द लॉ, मैं अगेन दिस वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्बिट विद मतलब विद इन द लॉ, अनलॉफुल नहीं, विद इन द लॉ आता है, मैं ऊपर लेके जाऊंगा और जहां तक इंड क्या है सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन जो गलत है उसका साथ थोड़ी दूंगा, ईमानदारी से सच्चाई के साथ दूंगा। सो दैट वॉज समथिंग दैट आई टोल्ड एंड आई वॉज वेरी वेरी कि नहीं भाई एडमेंट था मैं कि ये तो मुझे बोलना ही है, ये मतलब मैं यही फील करता हूँ तो मैं गलत क्या बोलूंगा। देन उसमें भी आ गया था, तो मैंने फिर एक इंसिडेंट आरबीआई का भी कोट कर दिया मैम कि मैं आरबीआई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ ड्यू टू सम ट्रांसपेरेंसी इश्यूज विच आई फेल्ड विद देम, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग इट हेयर, बट आई टोल्ड इन डिटेल कि यहाँ पे ये मुझे लगता है कि गड़बड़ हो रहा है और जिसके कारण मुझे लगता है कि देयर इज सम स्ट्रक्चरल चेंज, तो मुझे मैम पता है कि यहाँ यहाँ गलती हो रही है, तो आई विल नेवर हेजिटेट टू से, मतलब मुझे हेजिटेशन नहीं होता है कहने में, भाई गलत है तो गलत है, उसमें क्या हेजिटेशन है, अगर मैं गलत हूँ तब तो मैं कहूँगा, अगर आप गलत हो और आप सही से गलत हो तो मैं सही से सही आपको चेहरा दिखाऊंगा, एंड दैट इज समथिंग इवन विद द उबर केस यू नो कि अगर उबर ने मेरे साथ गलती किया है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए किसी के तरफ मेरा गलत सोच है, आप एक ईमानदार आदमी से जो मेहनत से पैसा कमाता है यार, भले ही जो भी कमाता है उसके लिए एक रुपया भी इंपॉर्टेंट होता है, ईमानदारी से मैंने व्हाइट मनी कमाया, मैंने पूरा टैक्स पे किया है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसके बाद तो मेरा ऑनेस्टी पे कोई प्रीमियम नहीं बचा है, अपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है और मोदी जी ने बजट में बोला है कि देर हैज़ टू बी ए प्रीमियम ऑन ऑनेस्टी, प्रीमियम डिसऑनेस्टी पे आ गया है, प्रीमियम करप्शन पे आ गया है, तो वो प्रीमियम को मैं दिखाऊंगा ना लोगों को, क्योंकि ऑनेस्ट आदमी का प्रीमियम है भाई इस जगह दुनिया में, तो उस लेवल पे गेम चला था, वो हुआ था, इंटरव्यू चला, मैम ने कुछ पूछा, ये सब हुआ, अच्छा देर हो गया था मैम के साथ, 20 मिनट टाइप्स तो मैम ही ने ले लिया, 15-20 मिनट, फाइनली द पैनल सेड एंड लुक्ड एट मी एंड दे सेड कि योर इंटरव्यू इज ओवर, और आपका इंटरव्यू सर ने काफ़ी बुलंद आवाज़ में, उनकी आवाज़ जो है मनोज सोनी सर की, इट वॉज़ वेरी गुड टू हैव यू मनीष हियर एंड टू इंटरव्यू यू, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ यू मे गो टाइप बोलने वाले थे, और काफ़ी अच्छी आवाज़ में सर ने बोला कि मैं बोला सर रुकिए 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 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एंड देन आई डिड समथिंग विच वॉज, मतलब मैं सोच के गया था आई विल नॉट से इन हाइंड साइट इट मे लुक गुड बैड, मैंने बोला नहीं सर
इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है आपका, आपके तरफ से इंटरव्यू खत्म हो गया बट मेरे तरफ से इंटरव्यू अभी भी बाकी है। मुझे कुछ आपको बोलना है, मुझे आपसे कुछ पूछना है, और मैं ये पूछ के जाऊंगा क्योंकि मैं सोच के गया था यार ये, मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में जनरली RBI में नहीं किया था बट मैं जनरली ये प्लेसमेंट इंटरव्यू में करने के लिए सजेस्ट भी करता हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए भी पढ़ाता हूँ IIT पे, तो ये मैं जनरली सबको सजेस्ट करता हूँ, तो खुद तो करूंगा ही। तो मैंने बोला सर मैं रुकूँ, रुकिए रुकिए, तो बोले बोले क्या हो गया भाई इसको, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया था, उनका भोजन भी था, उनको फिर से इंटरव्यू लेना था, मैं लास्ट था इंटरव्यू में 6ठा नंबर पे, मुझे समझ में आ गया था 1-20 तो हो ही चुका होगा तो इनको हड़बड़ी भी होगा भेजने का। तो बोले ओके, लेकिन वो बहुत प्यार से बोले कि हाँ बताओ क्या है प्रॉब्लम बात। तो मैंने बोला कि सर मुझे एक चीज़ बोलना है, वहाँ पे देखिए ये आपका अप्रोच हो सकता है, आई वॉज मतलब मैंने वो कॉन्फिडेंस अपना दिखाया, मुझे जो भी लगता है कि मुझे पूछना था यार, तो मैं पूछ गया, मतलब मुझ अगर यही यही चीज़ मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ, इफ़ आई वुड हैव गॉन टू सम मॉक इंटरव्यू दे वुड हैव जस्ट सेड कि अरे स्क्रैप इट कम्प्लीटली, खत्म करो इसको, ये जो तुम कर रहे हो ये लास्ट में पूछना, इट इज़ नॉट टेकन इन गुड गुड कंसिडरेशन, तुम इतने सीनियर लोगों को ऐसे रोक दोगे जब वो बोल दिए हैं, दिस इज टेकन इन नेगेटिव एस्पेक्ट। मैंने बोला ये सब चीज़ मुझे सोचना ही नहीं है यार, मैं ईमानदारी से अपना इंटरव्यू देने गया हूँ, और मैं उसमें अगर कुछ, एक स्मिता मैम थी या कोई एक मैम है जो आपको लास्ट में पूछती थी कि आपको कुछ और बच गया जो आप सोच के आए थे बोलने का और आप नहीं बोल पाए तो आप बोलिए, मेरे पास तो पूरा ही बच गया था, मेरा पूरा डैफ ही खाली रह गया, मतलब मेरा पूरा डैफ साफ था और मेरे से ओपिनियन बेस्ड चल रहा था। बाद में मुझे पता चला कि मनोज सोनी सर के बोर्ड में ओपिनियन बेस्ड काफ़ी इंटरव्यू हुआ है, इट इज़ नॉट ओनली मी, सो मेनी पीपल हैड ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू, सो सबका अपना अपना स्टाइल होता है, एंड ही वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज इंटरव्यूइंग, मतलब वो पहली बार बोर्ड के मेम्बर बने थे। तो ये भी एक ये था, बाद में मैंने और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वो ये प्रिंसिपल भी थे कहीं के, I think गुजरात बोर्ड के, तो दैट वाज आल्सो कि चलो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस तो अच्छे हैं तो उसके हिसाब से हो सकता है वो मुझे ठीक मार्क्स दे दें, ऐसा फीलिंग आता था कि इंटरव्यू में तो ये हो गया है। अब आया गेम में सबसे बड़ा ट्विस्ट जो मेरे पूरे इंटरव्यू में मैं क्यों रोया ये मैं बताता हूँ। तो मैंने बोला पहला पॉइंट मैंने बोला और बताऊंगा क्या हुआ, पहला पॉइंट मैंने बोला कि सर देखिए एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मैं बोलना जरूर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा हूँ क्योंकि मैं बहुत तेज हूँ, ये सच्चाई है, ये ईमानदारी है, मैंने हर दिन या तो 1-2 घंटे पढ़े हैं और ज़्यादा दिन पढ़ाई भी नहीं की है, लास्ट में खींचा है गाड़ी को एकदम तेज़ी से, मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ कि पीपल इन UPSC ऑफिस हैव मेड श्योर कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी आज इक्वल फुटिंग मिले, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड, सो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, आप लोग नहीं है, डोंट टेक इट ऑन यू, मैंने बोल दिया कि नॉट ऑन द इंटरव्यू बोर्ड, इवन इंटरव्यू बोर्ड हैज़ टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर टेकिंग देयर टाइम, बट आप ये सोचिए एक बच्चा जो 12 घंटे 11 घंटे नौकरी करता है उसके बाद भी आपके सामने यहाँ बैठा हुआ है, इट ओनली शोज इन पॉजिटिव लाइट कि जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं आज के टाइम पे एनालिटिकल हुआ है, UPSC में आज एनालिसिस होता है जनरली मेन्स के एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमारे व्यूज हम व्यूज कम पढ़ के भी रख सकते हैं और हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल फुटिंग भी मिल रहा है, और सर क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ मैं डिफरेंट मतलब मैं डायमेंशन दूसरे एस्पेक्ट में भी हूँ लाइफ के, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं एक तरह से टीचर भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये कितना टफ होता है। 4 नवंबर को एग्जाम खत्म होने के बाद तक 10 जनवरी तक सबको ये लगता था कि मेंस का रिजल्ट आए, मेंस का रिजल्ट आए, जल्दी रिजल्ट आए, सब चीज़ में लगता है, पर उस रिजल्ट को निकालने के लिए सर जब मैं क्वेश्चन पूछता था RBI ग्रुप पे, जब मैं टेस्ट लेता था टेस्ट 1 मैथ्स के, सब बोलते थे रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, कौन विनर होगा, किसको प्राइज मिलेगा, सब ये चाहते थे, बट वो ये कभी नहीं सोचते थे कि एक आदमी वहाँ कॉपी चेक कर रहा है एक्चुअली में, एक आदमी वहाँ आंसर बना रहा है एक्चुअली में, तो ये अप्रिसिएशन बहुत कम है हमारे समाज में, हम लोग हमेशा चाहते हैं रिजल्ट, हम लोग चाहते हैं सक्सेस, हम लोग हमेशा उसके कॉज उसके प्रोसेस को नहीं अप्रिशिएट करना चाहते हैं, और सर बचपन से मेरे माता पिता ने प्रोसेस को अप्रिशिएट करने के लिए सिखाया है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट सर कल मैं हूँ ना हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो भी मैं यहाँ हो सकता है बोर्ड पे नहीं बैठूंगा कभी आपके सामने, अगर मेरा नहीं होता है तो हो सकता है मैं आपके सामने इंटरव्यू ना दे रहा हूँ, कहीं मेरा फिर से इंटरव्यू ही नहीं हो, तो मैं आज ये चीज़ सबके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन जिन्होंने पीछे जो बैकग्राउंड प्लेयर होते हैं जो कभी सामने नहीं आते हैं, जिन्होंने इतना एफर्ट टेक किया और हमारे लिए ये जिनके कारण मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर कन्वे करना कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और बाई चांस मेरा सिलेक्शन हो जाता है, इट गिव्स अ पॉजिटिव मैसेज टू द सोसाइटी, ये काफ़ी पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करेगा सोसाइटी में, नॉट बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड, बिकॉज अ वर्किंग इंडिविजुअल, यही तो इन जनरल आज के समय की जरूरत है, यही तो सरकार भी चाहती है, लैटरल इंट्री चाह रही है सरकार, सरकार ये सब चाहती है, क्यों चाहती है, एक्सपर्टीज आना चाहिए, एक्सपर्टीज क्यों आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिव ईयर जो होता है हमारा 20 से 25 साल तक, उसमें हम क्या करते हैं अपना टाइम खत्म कर देते हैं, वी आफ्टर पासिंग वी टेक पीपल आर जनरली स्पेंडिंग 4 ईयर्स 5 ईयर्स स्पेंडिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट गोइंग देयर, एंड मेन टाइम पे आप नहीं मतलब कुछ जॉब कर रहे हो जब आपकी फैमिली को जरूरत है, जब आपके देश को आपको प्रोडक्टिविटी की जरूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इससे एक
मैसेज जाएगा जो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं उनको, एक हौसला जाएगा कि हम भी कर सकते हैं काम करते हुए, और एक पॉजिटिव लाइमलाइट में ये चीज़, सर बेसिकली पॉजिटिव लाइट में ये चीज़ जाएगी। एंड ये मैं दिल से बोल रहा था, ये एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर मैं निकाला हूँ तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोसेस को जाता है, और ये एक अच्छे लाइट में दिखाता है चीज़ों को कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं, राइट। ये सबको ये हौसला देता है और ये जरूरी है आज के समय में, वरना जॉब छोड़ने का जो सर ट्रेंड चला हुआ है आपको भी पता है दिल्ली में क्या भसड़ मची हुई है। तो सर काफ़ी मतलब खुशी तो और दुखी तो वो दिखाते नहीं थे, तो बोले कि वेल मनीष वी टेक दिस इन गुड, मतलब वी विल डेफिनेटली कन्वे योर रिगार्ड। और मैंने दूसरा पॉइंट सर को यही बोला कि सर मुझे ये लगता है कि हम काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, रिजल्ट सर आ ही जाएगा 25-28 अप्रैल तक, देन डेफिनेटली आई, और सर उसके बीच में 3-4 महीने का गैप होगा, तो इवन इन माई जॉब माई इंडीवर ऑलवेज हैज़ टू लर्न एंड अर्न। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वो वाला गेम खेल दिया कि मुझे लगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, तो मैंने बताया उनको कि सर मैंने सीएफए भी निकाला था अपने जॉब के साथ, मैंने आरबीआई और इसकी भी तैयारी की, तो कहीं ना कहीं मुझे सर सिर्फ अर्न करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो लर्निंग एस्पेक्ट भी चाहिए। तो पहला जॉब भी जब मेरा लगा था तो मेरे पास 5 महीने थे जब मेरी नौकरी लगी थी इन्वेस्टमेंट बैंक में, तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं कुछ प्रिपेयर करके आऊँ, क्योंकि प्रिपेयर करके आने से फ़ायदा होता है, आप वेल प्रिपेयर्ड होते हो, आप चीज़ों को अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उस चीज़ को आप समझते हैं, सोचते हैं, राइट, और आप प्रिपेयर्ड रहते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, फार मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैंने बोला सर कि आपको क्या लगता है कि मेरे पास जो 2-3 महीना चाहेगा, मैं ग्लोरी सीकिंग नहीं हूँ कि अब यहाँ से मैं सब जगह जा जा के अपना इंटरव्यू दूंगा, मेरे पास उतना टाइम है नहीं, मतलब मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे अपना सीखने के लिए, अपने बढ़ने के लिए कुछ मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर, और ये मैंने गलती कर दी, मैंने खुद ही बता दिया कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, सो दैट आई शुड हैव लेफ्ट इट एज ओपन टू देम। बट मैंने उनको बोला कि सर मुझे लगता है कि लॉ सूट्स और ये सब बहुत बढ़ रहे हैं, लॉ आज के समय में बहुत महंगा हो चुका है, किसी भी गरीब आदमी के लिए लॉ करना, मेरे जैसे आदमी के लिए भी, एक मीडियम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी, तो मुझे लगता है और लॉ की जरूरत और भी बढ़ेगी, और भी टेंशन बढ़ेंगे, तो क्या मुझे लॉ पढ़ना चाहिए आगे के 2-3 महीने में, आपकी क्या एडवाइस होगी, इससे फ़ायदा होगा क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में जाना चाह रहा हूँ। तो हेयर, सो दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 3 लोगों ने हाथ उठाया और मैडम ने बोल दिया उसको, एक्चुअली 3 लोगों ने बोला कि हम आंसर करना चाहते हैं। सो मैडम ने इसका आंसर ये दे दिया कि आई थिंक यू शुड मीट अ काउंसलर, ये उनका बस आंसर था, आई थिंक यू शुड मीट अ काउंसलर। अब ये समझ नहीं आया और मैं काफ़ी शेल शॉक्ड हो गया, आई पर्सनली थिंक यू शुड मीट अ काउंसलर ऑन ए सीरियस नोट, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला, और फिर सब लोग उनके तरफ देखने लगे, मी एंड अदर मेंबर्स ऑल्सो, सर भी एक तरफ बार उनकी तरफ देखे, बट उन्होंने बोल दिया था और मैंने अपने दोनों क्वेश्चन पूछ लिए थे, और मैं अब उनके साथ और कोई ये नहीं करना चाहता था कि उनके साथ, मैम के साथ, कि ऑलरेडी हो चुका था, और एक क्वेश्चन के बाद मैंने 2 क्वेश्चन के लिए मांगा था उनसे रिक्वेस्ट, दोनों पूछ दिए थे, हाइंडसाइड में मुझे लगता है मैंने गलती कर दी, सेकंड में मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे मेरे पास पोएम हैं, इतने प्यारे प्यारे मैंने कंपोजिशन किए थे, एक तो मेरा कंपोजिशन मुझे लगता था कि यही बोल के आ जाता, मेरे भैया को मैं बोलता था कि वो मुझे देख थोड़ा सा मुस्कुराई, मैं देख उन्हें थोड़ा सा मुस्कुराया, और मैम के लिए बोलता मैम आपके लिए क्योंकि थोड़ा आपका मूड ऑफ हो गया है, या मेरा मूड ऑफ जो भी है, कि वो देख मुझे मुस्कुराई, मैं देख उन्हें मुस्कुराया, अपनी माँ के साथ मैंने एक नन्हा सा पौधा लगाया। ये मैंने 31 दिसंबर को किया था लास्ट ईयर, मैंने आरबीआई ग्रुप पे भी डाला था कि साल के एंड में एक पौधा हमने मिलकर लगाया था कि अच्छा एंड करना चाहिए, जब लोग डीजे में पार्टी करते थे तो हम ये कर रहे थे, सो दैट वाज समथिंग विच आई शुड हैव सेड, बट आई सेड समथिंग डिफरेंट, और मैम ने पता नहीं उसको किस सेंस में लिया। सम पीपल आफ्टर आई केम बैक, मतलब उसके बाद ये खत्म हुआ, तो एक सर भी थे जो बोलना चाहते थे, तो उन्होंने भी उसमें ऐड किया कि नहीं, यू विल गेट द चांस, डोंट वरी, देयर इज अ प्रॉपर ट्रेनिंग विच विल ट्रेन यू प्रॉपरली। आई न्यू दैट द ट्रेनिंग वॉज देयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई जस्ट वॉन्टेड कि भाई ऐसा नहीं लगना चाहिए, कि बंदा सिंसियर लगना चाहिए कि हाँ ये लॉ, और मुझे अभी भी लगता है, इसलिए मैं आप लोग का जल्दी से पढ़ा के खत्म कर दूंगा, मुझे अपना पढ़ना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट टू रीड लॉ, आई वॉन्ट टू टेक सम ओपन कोर्सेज एंड डू सम डिग्री इन दैट, सो मैं जल्दी ये सब खत्म करके अपना पढ़ने में लग जाऊंगा। सो दैट हैपेंड, तो सर भी क्या बोलते, जो मेन सर थे वो बोले ठीक है मनीष, सो द सेकेंड क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी आंसर्ड बाई मनीष मैम, एंड द फर्स्ट वन ऑलरेडी यू नो दैट वी विल कन्वे दिस टू द मेंबर्स, वी टेक योर अप्रिशिएशन इन अ पॉजिटिव सेंस। तो मैंने बोला ठीक है सर, थैंक यू सर वेरी मच, एंड मैं निकल गया बाहर। तो फिर मैं वही अच्छे से चेयर को पीछे किया, आराम से निकला, ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे डिसिप्लिन, ये वो हाथ वाद भी मैं पूरा ऐसे हिला के ही बता रहा था मैम को भी हाथ में, और मैं बताते बताते मेरे पास एक पेंसिल रखा हुआ था तो वो हाथ में आ गया, तो मैं ऐसे घुमा के ही बता रहा था कि मैम
अंडरस्टैंड दिस इज दिस दिस इज दिस। अब बीच में मैं ऐसे ऐसे भी कर रहा था, तो ऐसा नहीं है ये सब करना। ये सब जो लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे खड़ा एकदम बैठ के बोलिए, मैक्सिमम टाइम आई वॉज फुली अटेंटिव, बट कभी कभी ऐसे हो के भी और ऐसे कर करके भी मैंने बताया है। सो आई थिंक मोर देन दीज थिंग्स वॉट मैटर इज हाउ यू कन्वे योर आंसर्स एंड हाउ इम्पोर्ट, मतलब कि आपका आंसर चूड़ा चकली नहीं होना चाहिए। चूड़ा चकली मतलब साइड वाला आंसर नहीं होना चाहिए। कोर थीम और क्रक्स आंसर अगर आप दीजिएगा, आप फील के साथ दीजिएगा, आप सही आंसर दीजिएगा, अब यू आर द बेस्ट जज। आई यू एवरी वन विल हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ माई इंटरव्यू। आई कांट बी जस्ट सेइंग कि मेरे बहुत अच्छे गए ये हुआ। मुझे जब मैं बाहर निकला तो मैं बहुत सैड हो गया कि कैसे बोल दिया ऐसा। मैं खुद ही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉन्टेड टू से कि मैं IIT में खुद ही काउंसलिंग करता था बच्चों का। आई एम लाइक इन काउंसलिंग सर्विस, वहाँ प्रॉपर काउंसलिंग सर्विस की टीम में था, मैं काउंसिल करता था, मुझे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग अवार्ड मिला था। और मैं अभी भी RBI और कई लोगों को यहाँ पे भी बताता हूँ, सही डायमेंशन देता हूँ, और आपने आज मेरी ही ले ली वैसे तो ठीक है। मुझे लगा कि आइए तो गजब हो गया लाइफ में यार। तो फिर मैं बाहर निकला तो फिर मुझे याद आया कि मुझे TA का पैसा भी लेना है। अब रोना धोना तो अंदर से आंसू आने ही लगे, बट मुझे लगा कि उसके चक्कर में जो मेरे 500 रुपये हैं वो भी ना चले जाएं। तो मैं वहाँ पे गया तो वो सर बोले कैसा हुआ, बाकी लड़के लोग भी बोले कैसा हुआ, तो सब लोग फ्रस्ट्रेटेड ही दिखाई दिए अपने इंटरव्यू से। तो मुझे लगा यार तुम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो, मैं तो अल्टी पूरा ही पलटी मार के आ गया मेरा इंटरव्यू लास्ट में। अच्छा 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 चल रहा था, ऐसे गिरा दिया एकदम मैम ने। मुझे ये नहीं समझ में आया कि पर्सनालिटी के लिए काउंसलर मिलना चाहिए या किसके लिए काउंसलर से मिलना चाहिए। तो मैंने पापा को जैसे ही गया, बाहर खड़े थे, बोला कि कैसा हुआ तुम्हारा, तब तक घर से बहुत कॉल आ चुका था मम्मी का और भैया का कि इतना देर हो गया निकल क्यों नहीं रहा है। सब लोग निकल जाते थे अपना इंटरव्यू देखे। सो आई जस्ट सेड टू हिम कि अरे आप मेरा ID कार्ड दीजिए यार, मुझे पैसा लेना है उससे लेके आता हूँ, आप बस आप बोल दीजिए खराब गया है। तो therefore आई सेड कि अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने बताया घर में, देन वी हैड ए डीप एनालिसिस ऑफ थिंग्स, माई फ्रेंड्स ऑल्सो केम इन द इवनिंग जहाँ मैं रुका हुआ था, उन्होंने भी सुना। सो दे वेर लाइक कि ठीक है, मतलब दिस नाउ बिकेम ए ग्रे एरिया कि यार दो तीन चीज ग्रे एरिया हो गई। पहले तो कि आपको ये जो मैम ने बोला है गलत सेंस में बोला है या पॉजिटिव सेंस में बोला है काउंसलर, दूसरे क्वेश्चन के लिए कि क्योंकि आपने कुछ पूछा इस तरह का कि जो आप वरीड थे कि आपको ये करना चाहिए ये करना चाहिए, तो यू शुड मीट अ करियर काउंसलर। तो हो सकता है ये बोला हो मैम ने, ऐसा नहीं बोला हो, ओवरऑल पर्सनैलिटी पर कोई कमेंट नहीं हो, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन का मैंने मैम ने आंसर दिया था। दूसरा एक सवाल ये भी आया कि अब मैम का कितना रोल होगा, सब लोग मार्क्स देते हैं या सिर्फ बोर्ड मेंबर के जो होते हैं वो देते हैं, क्योंकि मुझे जो हेड मेंबर थे वो बहुत प्यारे लगे थे और मैं उनको देख के बहुत ही, उनका आवाज़ का जो बुलंदी है, आई एम जस्ट ए फैन ऑफ हिम। मैं उस दिन भी बोला था कि आई एम जस्ट ए फैन ऑफ हिम, जिस तरह से वो बोलते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, डॉक्टर मनोज सोनी, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन। सो मुझे लगा कि अगर इनके हाथ में होगा तब तो, और बाकी सब चीज़ें भी मैटर करती है यार, मैं जॉब में हूँ तो 10% तो उसका इंपैक्ट पड़ता ही, मतलब 10% इन द सेंस कि पीपल से कि जनरली यू गेट गुड मार्क्स इफ यू आर डूइंग द जॉब, इफ यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग एंड ओवरऑल। देन आई ऑल्सो एनालाइज माई आंसर, आई थॉट कि कोई आंसर बुरा नहीं दिया था, कोई आंसर इधर उधर ज़्यादा दायां बायां किया नहीं था, मैंने आंसर्स में बहुत ही शिद्दत के साथ ईमानदारी के साथ सारा आंसर किया था। मैम के साथ भी मैंने स्टैंड इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लगता था यार कि दिस इज़ हाउ इट शुड बी, दिस इज़ द रियल ट्रूथ। बट ओवरऑल आई फेल्ट कि लोगों जो बोलते हैं कि बहुत कॉर्डियल होता है ये होता है, वैसा इंटरव्यू नहीं हुआ था। मतलब इवन दो बोर्ड वॉज कॉर्डियल आई वुड नॉट से, बट ऐसा कुछ पॉजिटिव वाइब्स मुझे इंटरव्यू में मिलता नहीं था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ ऐसा पॉजिटिव वाइब मिल नहीं रहा था। मैं आंसर दिए जा रहा था बट दे वेर अगेन नॉट शोइंग एनी इमोशन, सो मे बी दे वेर वेरी वेरी प्रोफेशनल इन टेकिंग द इंटरव्यू, दैट इज अगेन अ वेरी गुड साइन कि आप कुछ भी अपने कार्ड्स डिस्क्लोज नहीं किए, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वेंट बाई, दिस इज़ हाउ आई फेल्ट आफ्टर कमिंग। आई यूज टू थिंक कि मेरे इंटरव्यू में, या तो अब ये इंटरव्यू के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गया था, एवरी वन न्यू कि आइदर आई विल गेट अबाउट 140 टाइप ऑफ मार्क्स और आई विल गेट अबाउट 190-200 मार्क्स, आई विल नॉट गेट अ जेनरिक मार्क्स। जनरल मार्क्स तब मिलता है जब आप ज़्यादा बोल के नहीं आए। मेरे इंटरव्यू के बाद मैंने टाइम देखा तो 55 मिनट्स हो चुका था ऑलरेडी, तो 20-25 मिनट में जो बोल के आता है जनरली ये होता है कि वो 170, 175, 160 वैसे मार्क्स मिलते हैं। जब इतना बड़ा चल रहा है तो या तो उनको पर्सनैलिटी में कुछ डिफेक्ट लग रहा है या उनको वो पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, दैट इज़ इट शोज क्लियरली इट इज़ नॉट मिडिल पाथ नहीं होने वाला था। सो इट वॉज काइंड ऑफ ए मेक और ब्रेक सिचुएशन। सो वेन माई रिजल्ट केम एंड वेन पहले 50 लोगों का लिस्ट लगा तो मैंने देखा मेरा नाम नहीं है, 4 कुमार हैं फिर भी मैं नहीं हूँ उसमें, तो मुझे लगा जा यार इंटरव्यू के कारण मैं लगता है साफ हो गया। फिर मैंने जब ओवरऑल देखा तो मैंने सर्च भी नहीं किया, 61 वैसे नहीं देखा, मैंने 202 मेरा रोल नंबर था लास्ट में उसको देखा, क्योंकि मुझे पता था 202 करके एक तो होगा ही, रैंक 202 उसमें, तो मुझे एक से ज़्यादा सर्च दिखा, 6 आए, तो फिर मैंने देखा 61 पे रोल नंबर मेरा है, तो आई फेल्ट रिलीव्ड। दैट टाइम ऑल्सो आई बिलीव्ड कि मेरे 900 के ऊपर होंगे मेंस में और इंटरव्यू में 140 आया होगा, बट व्हेन आई सॉ माय रियल मार्क्स आई जस्ट एक्सेप्टेड विद एन हम्बलनेस कि मेरे 201 आए हैं और उसी में कम आया है।
सो मेरे पापा उस समय भी बोले थे कि जो तो आपको बोल के आना था आप बोल के आए, यू शुड नॉट बी टेकिंग एनी लोड, आपने बहुत अच्छा किया है। उस समय भी मेरे घर वालों ने भी बोला था तुम अपने आंसर्स को एनालाइज करना कभी भी सोच के, कि तुमने वो आंसर्स दिए जो जेन्युइन आंसर्स थे, तुमने ये नहीं दिया है जो कि बनावटी आंसर्स होते हैं। सो आई यूज टू बिलीव देम, ऐसा नहीं है कि आई डिड नॉट बिलीव देम, बट वो चीज़ पे खटकता ही था लास्ट में कि मैम ने ऐसा क्यों बोल दिया, ये इसके जगह मैंने ये क्यों नहीं बोला, मतलब मैंने ये क्यों पूछा। मैं उनको एक कविता सुना देता, इतनी सारी कविताएं हैं मेरे पास, मैं कुछ भी बोल देता, मैं प्यार से बोल देता, या मैंने क्यों बोला कि मुझे दो क्वेश्चन पूछना है। देर वर लॉट ऑफ इनर फाइट्स दैट वेर हैपनिंग टिल दैट मोमेंट, बट आज लगता है कि सार्थक लगता है, बट एट द एंड ऑफ द एट द एंड आई वुड नॉट से कि यही करने से नंबर आता या ये होता, हो सकता है कि सही में मैम ने नंबर काटा हो सकता है 210 220 आता, ये भी परसेप्शन मैंने अपनी माँ को दिया। ऐसा मत सोचिए कि मैम ने बहुत नंबर दिया होगा, हो सकता है मैम ने जेन्युइनली काट दिया हो, बाकी लोग काफ़ी अच्छा नंबर दे रहे हो, यू नेवर नो व्हाट हैपेंड, वी आर जस्ट सीइंग द एंड रिजल्ट, बाकी सब एक ब्लैक बॉक्स है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। यू व्हाट वी कैन टेक द की टेक अवे मैसेजेज इज कि बींग ऑनेस्ट ऑलवेज हेल्प्स एंड बींग डूइंग समथिंग ऑलवेज हेल्प्स, कि आप सही में पढ़ाने जाते हो बच्चों को, आप सही में पढ़ाते हो एवरी थिंग, और कहीं ना कहीं तीसरा कि लाइफ में जो लोग बोलते हैं फेयरनेस नहीं है, लाइफ में देखिए कि क्या गजब का फेयरनेस है। अगर मुझे जेनरिक इंटरव्यू गया होता तो मैं साफ हो जाता, इतने अच्छे मेन्स लिखने के बाद भी मेन्स में इतने कम नंबर मार्क्स मिले थे, तो लाइफ ने वो फेयर आउट बैलेंस आउट किया एंड इंटरव्यू में जो मैंने मेहनत की थी, वरना क्या होता कि मुझे ये भी डाउट हो जाता अगली बार से कि मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, मैंने मॉक इंटरव्यू नहीं दिए, वो नहीं दिए। सो लॉट काइंड, मतलब देयर वुड हैव बीन इनफाइनाइट काइंड ऑफ सेल्फ डाउट्स, सेल्फ क्लाउड जो कि क्रिएट हो जाते हैं, उन सब से बचने में मुझे फायदा हुआ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मैं इस प्रोसेस से बाहर आ पाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट द सक्सेस विच मैटर्स, इट इज़ द रिलीफ एंड इट इज़ समथिंग द सेल्फ बिलीफ जिस पे भगवान ने मेरा साथ दिया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आपने एक 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 सही में एक ईमानदार आदमी की यार आपने इज्जत बचा ली, वरना घर में यार मेरे भैया भी साफ हो चुके थे, सो दो लोग एक साथ साफ हो जाते तो दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी सैड फॉर माय पेरेंट्स। सो यही था, देयर इज़ नथिंग टू मोर टू हाइड, मैंने ईमानदारी के साथ आपको पूरा बताया। मैं काफ़ी बार हिचका मतलब गड़बड़ाया था, ये हुआ था, बट समहाउ आई मैनेज माई इंटरव्यू, ठीक है। सो होपफुली यू टूड हैव गिवन यू सम कलर। आप जनरली इस बहकावे में नहीं जाएँ कि सबका इंटरव्यू अच्छा जाता है, इंटरव्यू, और इसमें भी नहीं जाएं कि आप कुछ सोचते हो रैंडम मार्किंग होती है इंटरव्यू में, होता होगा किसी में रैंडम मार्क, आई कांट कमेंट फॉर अदर्स, बट जनरली इट विल पे यू ऑफ हैंडसमली, इंटरव्यू में अच्छा पे ऑफ होता है, दैट इज ऑल्सो द ट्रूथ। एक चीज इंसिडेंट मुझे याद आता है, एयर मार्शल सर भोसले सर का इंटरव्यू जब होता था बस लास्ट में एक हैप्पी नोट में, तो वो एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं पीपल नो कि तुम यहाँ के जाने के बाद क्या करोगे, तो ये क्वेश्चन कई लोगों से पूछा गया, भोसले सर ने पूछा कि यहाँ से जाओगे तो क्या करोगे, ठीक है क्या करोगे, तो लोग बोले थे कि कुछ लोग बोलते थे कि सर अब यहीं से जाते के साथ फिर से स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई, तो सर बोलते हैं झूठ मत बोलो ये गलत है। आई थिंक ये हुआ है, मैंने तो उनके साथ अटेंड नहीं किया लेकिन जनरली जो लोगों ने बताया है, तो कुछ लोग बोलते हैं सच ये होता है कि सर जाएंगे आराम से सोएंगे यहाँ से इंटरव्यू देने के बाद, या कुछ कहीं खाना खाने जाएंगे, तो सर बोलते हैं कि अच्छा बताओ कहाँ खाना खाने जाओगे, तो बोलते हैं नई दिल्ली में कहीं पे एक जगह पे जाएंगे खाना खाने, तो देन सर आज दिन की कौन से जगह पे जाओगे, तो वो कोई जगह का नाम बताते हैं कि यहाँ पे हम खाने जाएंगे, तो सर बोलते हैं ठीक है वहाँ पे जाना, वहाँ पे मेरे जान पहचान है एंड तुम वहाँ पे मेरा नाम लोगे तो तुम्हें 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लोग बहुत खुश होकर बाहर निकलते हैं जनरली कि अरे सर ने मुझसे पूछा भी बताया भी 30% डिस्काउंट भी दिलाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा फीलिंग से लोग निकलते हैं। और कई लोगों को उसमें बहुत कम मार्क्स मिला है इंटरव्यू में, तो क्यों कम मिला है लोग एनालाइज नहीं कर पाते हैं, सब तो अच्छा हुआ सर इतना खुश भी थे। द आंसर इज़ वेरी सिंपल, जैसे ही सर ने आपको ये लास्ट में पूछा, ये क्वेश्चन है एक्चुअली मीट सेल्फ एंड दैट इज़ अ वेरी ट्रिक क्वेश्चन कि मेरा नाम यूज़ करके तुमको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप आज से ही किसी का नाम यूज़ करके डिस्काउंट लेने के चक्कर में हो, इट शोज़ इन द फ्यूचर यू विल बी टेम्प्टेड टू टेक एनी वंस नेम एंड इंडल्जिंग इन दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेज, राइट। अ वेरी इनोसेंट क्वेश्चन बट चेक्स योर इनोशेंस एट ऑड लेवल। आप इतना तो कर ही सकते हो कि अपना पैसा से खाना पीना खा सको, नहीं सर मैं जाऊँगा भले ही ज़्यादा महंगा जगह नहीं जाऊँगा, चुपचाप एक 50 रुपये का थाली खा के आ जाऊँगा। सो दैट शुड बी द आइडियल एंसर इन दिस क्वेश्चन। सो ये हम सोच के बहुत हंसी आती थी, हमें बताया उसी दिन उस जो हमारे साथ टेबल पे थे कि ऐसा हुआ और एक आदमी को उन्होंने 120 ही दिया था या ऐसा, बट इसके कारण ही दिया हो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा इंटरव्यू कोई नहीं जानता है, बट ये वन ऑफ द ट्रिक क्वेश्चन है सर का, किसी किसी से पूछा गया था, आप पूछ भी सकते हैं कि आपसे पूछा गया था कि नहीं आपके जो दोस्तों। तो होपफुली यूड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आई विल जस्ट इंटरेक्ट कि ये बड़ा इंड हो गया है, तो वी विल टेक इट इन टू पार्ट्स में रखेंगे इसको एंड नो मोर थिंग ऑन इंटरव्यू। आपको बताया दिया इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो मैंने फ्रेमवर्क्स बताए थे ये सब जोटे, ऐसा नहीं था उस दिन जाके मैं ट्रांसफॉर्म परफॉर्म रिफॉर्म डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा था, काफ़ी सोचा था उस पर, काफ़ी चीज़ बनाई थी मैंने,
कि एक जैसे बनाया था वाइन टू डिवाइन कॉन्सेप्ट होता है, जो लोग शराब पी रहे हैं उनको डिवाइन की तरफ बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। यूथ वाइन की तरफ बढ़ गया है, वाइन से डिवाइन के तरफ लेके जाना चाहिए। अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेजी बन जाएगा। और फिर आपको फाइंड ह्यूमन काइंड मिशन चलाना चाहिए। उसके बाद डोंट बी ए वल्चर, बिकम प्रोटेक्ट योर ओन कल्चर। आज हम वल्चर बन गए, अपने कल्चर को ही खत्म कर रहे हैं, अपने कल्चर को बनाइए। देन ऑल माइटी विल नेवर कम टू हेल्प सोसाइटी। भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए, जो डायलॉग है ना कि क्या पता आप किसी और के भरोसे बैठे हुए, भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान किसी और के भरोसे खुद बैठा हुआ है। तो अपने लिए करिए, लीड फॉर अ गुड डीड। काफ़ी सारे हैं मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा जब सही टाइम आएगा, जब इंटरव्यू का प्रिपरेशन होगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंड एंड व्हाई आई यूज टू से कि माई इंटरव्यू वॉज नॉट अप टू मार्क एंड नॉट एज पर माई एक्सपेक्टेशन एंड व्हाई आई वुड हैव गॉट गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। सो दीज टू थिंग्स आई वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर। आई विल नॉट बी टेकिंग एनी फर्दर ट्यूटोरियल्स और क्लासेस टूडे। थक गया हूँ यार, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, 2 घंटे से। सो होपफुली अगर एनर्जी बची तो मैं आऊँगा 10:30 बजे, नहीं बची तो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स विल बी कॉलिंग, नन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स कॉल मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन दो आई रीच आउट टू देम, दे आर नॉट विलिंग, दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड कि मेरा सक्सेसफुल कैंडिडेट है, ये है वो है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट को मैंने देख लिया, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर डूइंग वट दे ऑलवेज डू, दे आर डूइंग देयर मार्केटिंग, दे आर डूइंग वट दे थिंक दे हैव ये देन ओनली एंड बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम देम ओनली कि यार ये लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि ऐसे तो मेरी स्टोरी कभी सामने आएगी नहीं, और ऐसा नहीं कि मेरी स्टोरी में बहुत जान है, पर मेरी स्टोरी में वो सच्चाई, और वो सच्चाई से लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मुझे हार्डवर्किंग ह्यूमन चैनल ये सब ग्रुप बनाना पड़ा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अगर आप बता सकें, अगर इंटरव्यू आप किसी और को भी बता सके जो आपका दोस्त है, इट वुड बी गुड फॉर यू, मतलब गुड फॉर जनरली लोग जानेंगे, अगर नहीं भी बताते तो मुझे अब ऐसा फीलिंग से मैं ऊपर उठ गया हूँ। आज भी कई इंस्टीट्यूट ने कई लोगों को बना के फैसिलिटेट किया है, ये किया है, वो किया है, फेलिसिटेट किया है, तो वो सब चलता रहेगा। मुझे कोई नहीं बुलाने वाला है, अगर आपको बुलाना भी है, किसी को बुलाना है, तो आप लोगों को पुश करना पड़ेगा बुलाने के लिए, वरना मैं आपके सामने यहाँ पे हमेशा रहूँगा और जो भी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के वो शेयर करूँगा। बिकॉज इन यूपीएससी का जर्नी काफ़ी डिफरेंट वे से खेला जा सकता है, एंड दिस इज माई ओनली इंटेंट। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच टैलेंट यू हैव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ मच हार्ड वर्क एंड हाउ मच पॉजिटिव हार्ड वर्क यू आर विलिंग टू पुट। डोंट गेट इन टू फियर साइकोसिस ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ट्रस्ट मी, डू वेल, प्रिपेयर वेल, यू विल डेफिनेटली गेट द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट कुछ भी हो, कीप फॉलोइंग द प्रोसेस, दिस इज माई अल्टीमेट।